हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनल जैन। वेलकम टू आवर चैनल हेल्दी उपचार। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं हाइपर थायराइड के बारे में, और मैं आपको बताऊंगी सिंपल एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कौन से हैं, वो सिंपल से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जिनको प्रेस करके, रेगुलरली प्रेस करके आप हाइपर थायराइड की कंडीशन को ठीक कर सकते हैं। इससे पहले हमने बात की थी हाइपोथायराइड के बारे में, काफ़ी डिटेलिंग से मैंने हाइपोथायराइड के बारे में आपको बताया था एंड उससे रिलेटेड कौन से हैं वो एक्यूप्रेशर पॉइंट जो आपको हाइपोथायराइड की कंडीशन में आराम दे सकते हैं, वो सब पॉइंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था। तो आप हाइपोथायराइड के शिकार हैं अगर आप हाइपोथायराइडिज्म फेस कर रहे हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप देख सकते हैं। और आज बात करेंगे हाइपरथायराइड के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहूंगी कि एक्यूप्रेशर थेरेपी से हम अपने आप को बिना किसी साइड इफेक्ट के हेल्दी रख सकते हैं। तो इससे पहले अगर आपने एक्यूप्रेशर थेरेपी नहीं की है तो जरूर करके देखिए, आप घर पर ही रहकर कर सकते हैं। एंड एक्यूप्रेशर थेरेपी से जुड़ी हुई वीडियोस अगर आप पसंद करते हैं तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थायराइड ग्लैंड हमारे गले में एक तितली शेप का, एक बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है जो हमारी सांस नली के अराउंड होता है। ये देखिए, इस तरीके से आप इमेज में भी चेक कर सकते हैं, जो हमारा थायराइड हार्मोन सिक्रीट करता है। हमारे थायराइड हार्मोन जैसे कि T3 है, T4 है, उनको सिक्रीट करता है। तो हमारा थायराइड ग्लैंड आयोडीन का यूज करके हमारे थायराइड हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, T3 T4 हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। चलो पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ होता क्या है। हमारे दिमाग का एक पोर्शन होता है, उसमें हमारा ग्लैंड होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या करता है, एक हार्मोन सिक्रीट करता है। ये हार्मोन्स कुछ और नहीं, बेसिकली मैसेज होते हैं, केमिकल मैसेज होते हैं कि क्या काम करना है, वो हमारे दूसरे ग्लैंड्स को बताते हैं, हमारे सेल्स को बताते हैं। तो क्या होता है, हमारा एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, वो एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम होता है TRH। ये TRH हार्मोन हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है, हमारा जो मास्टर ग्लैंड होता है, जो हमारे सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, उस ग्लैंड के पास जाता है हमारा ये हार्मोन एंड उस ग्लैंड को बोलता है कि आप एक और हार्मोन सिक्रीट करें जिसका नाम है TSH। तो ये क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम होता है TSH। तो ये जो हार्मोन है वो जाता है हमारा थायराइड ग्लैंड के पास, वो मैसेज लेके जाता है थायराइड ग्लैंड के पास कि आप थायराइड हार्मोन्स को सिक्रीट करें। एंड जब ये थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा सिक्रीट होने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होने लग जाते हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर थायराइड। तो इस कंडीशन में, हाइपर थायराइड की कंडीशन में हमारा दिमाग कैसे काम करता है, जब हमारे थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा बनने लग जाते हैं तो जो हमारे दिमाग का हिस्सा जो TRH हार्मोन प्रोड्यूस करता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज पहुँचाता है कि आप जो है हार्मोन्स कम बनाएं, यानी कि आप जो TSH हार्मोन बना रहे हैं वो कम बनाएं, ताकि जो थायराइड हार्मोन के पास मैसेज भेजे कि वो थायराइड हार्मोन कम बनाए। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा जो TSH हार्मोन है वो कम बनने लगता है, ताकि जो हमारे थायराइड हार्मोन्स को मैसेज जाए कि वो अपना थायराइड हार्मोन कम बनाए। तो इस तरीके से हाइपोथायराइड की कंडीशन में हमारा TSH लेवल जो है वो कम हो जाता है। एंड हाइपोथायराइड की कंडीशन में, जिसमें हमारे थायराइड हार्मोन्स कम बनते हैं, उस केस में हमारा जो TSH लेवल है वो बढ़ जाता है। जब ये थायराइड हार्मोन ज़्यादा बनने लग जाते हैं, हमारा जो माइंड है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, जल्दी जल्दी काम को करना चाहता है, उसकी जो धड़कन है वो बढ़ जाती है, बेचैनी सी रहने लग जाती है, उसको काम करने का एक मैनिया सा हो जाता है, हर वक्त वो काम करना चाहता है। जिस तरीके से हाइपोथायराइड के केस में व्यक्ति सुस्त हो जाता है, हाइपरथायराइड के केस में व्यक्ति एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाता है, उसका जो माइंड है वो हर वक्त चलता रहता है, धड़कनें बढ़ जाती हैं, हर वक्त उसको काम करने का एक कीड़ा सा लग जाता है, वो बैठ नहीं पाता है, टिक के बैठ नहीं पाता, रिलैक्स होकर बैठ नहीं पाता, उसका जो वेट है वो गिरने लग जाता है, उसकी हर एक्टिविटी जल्दी जल्दी होने लगती है, जैसे कि उसके जो बाल हैं वो जल्दी सफ़ेद होने लगते हैं, उसकी जो मसल्स हैं वो वेस्ट होने लगती हैं, उसको बेचैनी सी रहती है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो इस तरीके के सिम्टम्स हमें हाइपरथायराइड के केस में देखने को मिलते हैं। हाइपोथायराइड के केस में मैंने काफ़ी डिटेलिंग में थायराइड के बारे में बात की है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम ज़्यादा डिटेलिंग में ना जाते हुए डिस्कस करते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जिनको हमें हाइपरथायराइड के केस में स्टिमुलेट करना है, प्रेस करना है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको लोकेशन बता रही हूँ, आप एक एक करके वो पॉइंट्स को नोट करते जाएं। तो सबसे पहले फर्स्ट एक्यूप्रेशर आता है हमारे हैंड के पाम साइड, थंब। ये देखिए, थंब के सेंटर से, बिल्कुल सेंटर से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ये थंब का फर्स्ट ज्वाइंट एंड ये थंब का सेकेंड ज्वाइंट, जहां से हमारा थंब बेंड हो रहा है, ये देखिए। तो यहाँ ये हमारा फर्स्ट एक्यूप्रेशर पॉइंट है, ये देखिए,
थंब के फर्स्ट जॉइंट एंड सेकेंड जॉइंट का अगर हम मिडिल पॉइंट निकालें, फर्स्ट जॉइंट एंड सेकेंड जॉइंट का मिडिल पॉइंट दिस वन, एंड इस मिडिल पॉइंट के, इस सेंटर पॉइंट के थोड़ा सा साइड में, ये देखिए सेंटर पॉइंट से थोड़ा सा हम फिंगर की तरफ मूव करेंगे, आउटर साइड मूव नहीं करना है हमें, इनर साइड मूव करना है अंदर की तरफ, तो हम थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव करेंगे, तो यहाँ हमारा फर्स्ट पॉइंट है पॉइंट ST9, स्टमक मेरिडियन का पॉइंट ST9। तो ये हमारे बॉडी फ्लूइड्स को रेगुलर करता है, हमारे बॉडी में तरल पदार्थ की मूवमेंट को रेगुलर करता है, एंड जिसकी वजह से जो हमारे थायराइड ग्लैंड में सूजन आ गई है या फिर थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ गया है सूजन की वजह से, वो ठीक हो जाता है। तो हम इस पॉइंट को स्टिमुलेट करेंगे। नाउ सेकेंड पॉइंट के लिए अगेन हम रहेंगे पाम साइड, मिडल फिंगर, मिडल फिंगर के सेंटर से, बिल्कुल सेंटर से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये देखिए हमारी रिस्ट लाइन तक, जो हमारी कलाई की लाइन होती है उस लाइन तक मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये देखिए, एंड रिस्ट लाइन से थोड़ा ऊपर इस लाइन पर हमारा सेकेंड पॉइंट आएगा, रिस्ट लाइन से जो कलाई की लाइन होती है उस लाइन से थोड़ा सा ऊपर ये हमारा पॉइंट आ जाता है, सेकेंड पॉइंट, पॉइंट CV15, कंसेप्शन वेसल मेरिडियन का पॉइंट CV15। एंड थर्ड पॉइंट के लिए अगेन हम आएंगे थंब, तो जो ये हमने लाइन ड्रॉ की थी, सेंटर में लाइन ड्रॉ की थी, इस लाइन पर आता है हमारा थर्ड पॉइंट, ये थंब का फर्स्ट जॉइंट एंड बिल्कुल सेंटर में, फर्स्ट जॉइंट के बिल्कुल मिडल में, बिल्कुल सेंटर में ये हमारा थर्ड पॉइंट आता है, पॉइंट CV23, कंसेप्शन वेसल मेरिडियन का पॉइंट CV23। तो ये दोनों ही हमारे पॉइंट जो हैं, कंसेप्शन वेसल मेरिडियन के पॉइंट्स, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं, हमारा जो पूरा एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जो हमारा पूरा हार्मोन सिक्रीशन सिस्टम होता है, उसको एक्टिवेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, ताकि वो प्रॉपर अपनी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करे, ना कम ना ज़्यादा, एक नॉर्मल अमाउंट में हार्मोन्स को सिक्रीट करें एंड हमारी बॉडी की, हमारी सेल्फ फंक्शनिंग को मेंटेन करें। उसके बाद फोर्थ पॉइंट के लिए हम आएंगे हैंड के बैक साइड, ये देखिए थंब, थंब के सेंटर से, अगेन नेल के सेंटर से, बिल्कुल सेंटर से मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, आपको लाइंस ड्रॉ नहीं करनी है, बेसिकली मैं पॉइंट्स की लोकेशन के लिए आपको बता रही हूँ, ताकि आपको प्रॉपरली पॉइंट्स को लोकेट कर पाए। तो देखिए थंब के नेल के सेंटर से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ये थंब का फर्स्ट जॉइंट जहाँ से हमारा थंब बेंड हो रहा है, एंड ये सेकेंड जॉइंट, ये देखिए यहाँ से हमारा थंब जो है बेंड हो रहा है, सेकेंड जॉइंट, एंड सेकेंड जॉइंट के बिल्कुल सेंटर में, इस सेंटर वाली लाइन पर ये हमारा पॉइंट आ जाता है, फोर्थ पॉइंट GV14, गवर्निंग वेसल मेरिडियन का 14। एंड फिफ्थ पॉइंट ये देखिए बिल्कुल टिप पर, हमारे थंब के बिल्कुल टिप पर ये पॉइंट आ जाता है, आगे से मैं आपको दिखा देती हूँ, टिप पर, बिल्कुल ये टिप पर हमारा पॉइंट आ जाता है, पॉइंट GV20, गवर्निंग वेसल मेरिडियन का GV20। तो ये दोनों ही पॉइंट्स हमारी एनर्जी को बैलेंस करते हैं, जो बॉडी में उग्रता बढ़ जाती है, जो व्यक्ति हाइपर एक्टिव हो जाता है, तो इन दोनों ही पॉइंट की स्टिमुलेशन से व्यक्ति जो है नॉर्मल रिएक्ट करता है, उसकी जो हाइपर एक्टिवनेस है वो कम हो जाती है, तो व्यक्ति नॉर्मल हो जाता है। तो नाउ सिक्स पॉइंट के लिए हम आएंगे हैंड के पाम साइड, पाम साइड, इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर के कॉर्नर से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, देखिए ये जो लाइन है, ये देखिए दो कॉर्नर होते हैं, एक कॉर्नर जो है वो हमारा टुवर्ड थंब है, एंड दूसरा कॉर्नर वो है हमारा टुवर्ड स्मॉल फिंगर है, तो ये जो कॉर्नर है वो हमारा टुवर्ड स्मॉल फिंगर है, तो देखिए ये इंडेक्स फिंगर का फर्स्ट जॉइंट, एंड फर्स्ट जॉइंट से एग्जैक्ट नीचे, जस्ट नीचे ये हमारा पॉइंट आ जाता है, हर्ट मेरिडियन का पॉइंट H7। तो ये हमारा सिक्स पॉइंट है, एंड सेवेंथ पॉइंट के लिए हम आ जाएंगे हैंड के बैक साइड, ये देखिए ये जो हमने थंब के सेंटर से लाइन ड्रॉ की थी, उसी के जस्ट थोड़ा सा साइड में हम एक और लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, उसी के पैरेलल, ये जो लाइन है हमारी अंदर की तरफ है, ये देखिए फिंगर्स की तरफ है, अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ नहीं है, तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये देखिए जो हमारे हैंड का ये कर्व होता है, ये देखिए हैंड का जो ये कर्व होता है, अगर इसको हम लास्ट लाइन माने, एंड दिस लाइन एंड दिस थंब का सेकेंड जॉइंट, उनके बिल्कुल सेंटर में ये हमारा पॉइंट आता है, दिस वन, इस एरिया का सेंटर पॉइंट है दिस वन, एज एंड इस सेंटर पॉइंट के नीचे ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है, पॉइंट UB15, यूरिनरी ब्लैडर का पॉइंट UB15। तो ये हमारे हार्ट मेरिडियन का बैक शू पॉइंट है, तो ये हमारे हार्ट मेरिडियन का बैक शू पॉइंट है। तो अगर पर्सन को पेल्पिटेशन फील हो रही है, क्योंकि पर्सन हाइपर एक्टिव हो गया है,
तो पर्सन को पेल्पिटेशन फील हो रही है, उसकी धड़कन तेज हो रही है, उसको नर्वसनेस फील हो रही है, एंजाइटी हो रही है, तो हम हार्ट के पॉइंट्स को भी स्टिमुलेट करते हैं, पॉइंट H7 एंड पॉइंट UB15। तो हम इन पॉइंट्स को भी स्टिमुलेट करते हैं ताकि पर्सन जो है वो नॉर्मल रहे। नाउ 8th पॉइंट के लिए हम आ जाएंगे हैंड के पाम साइड, मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर के कॉर्नर से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जो कॉर्नर है वो टुवार्ड थंब है, थंब की तरफ है। तो जहां से हमारी लाइन स्टार्ट होती है उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे ही हमारा ये पॉइंट आ जाता है, लीवर 2, लीवर मेरिडियन का पॉइंट लीवर 2। तो इस पॉइंट को भी हम स्टिमुलेट करेंगे, ये हमारे लीवर की एक्सेस एनर्जी को पेरिकार्डियम में सेंड कर देता है, तो हम इस पॉइंट को भी स्टिमुलेट करेंगे। एंड नाउ 9th एंड लास्ट पॉइंट के लिए आएंगे हम हैंड के बैक साइड, इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर के नेल के कॉर्नर से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, अगेन 2 कॉर्नर होते हैं, ये जो कॉर्नर है वो टुवार्ड स्मॉल फिंगर है, ये जो कॉर्नर है जिसमें मैंने लाइन ड्रॉ की है वो हमारा थंब की तरफ है, अंगूठी की तरफ है। तो ये इंडेक्स फिंगर का फर्स्ट जॉइंट, एंड फर्स्ट जॉइंट से जस्ट थोड़ा सा ऊपर ही हमारा ये पॉइंट आ जाता है, पॉइंट LI4, लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का पॉइंट LI4। तो हमारे चेहरे से लेकर गले तक कोई भी रोग होता है तो हम इस पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं, ये हमारे वात दोषों को दूर करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, तो ये हमारा ग्रेट हार्मोनाइजर पॉइंट है, तो हम इस पॉइंट को भी स्टिमुलेट करते हैं। तो अगेन मैं आपको बता देती हूँ सारे पॉइंट्स, पॉइंट GV20, पॉइंट CV23, पॉइंट ST9, ये 3 पॉइंट हमारे थंब पर आते हैं, देन पॉइंट H7 इंडेक्स फिंगर में, पॉइंट लीवर 2 मिडल फिंगर में, उसके बाद पॉइंट CV15 हमारे इधर, एंड उसके बाद पॉइंट LI4 हमारी बैक साइड, एंड हेयर पॉइंट GV14 एंड पॉइंट UB15। तो अब इन सारे के सारे पॉइंट्स को हम स्टिमुलेट करेंगे, एनर्जी को घटाएंगे हाइपरथायराइड को मैनेज करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए। तो देखिए हम लेंगे ब्योर मैग्नेट, ब्योर मैग्नेट का इस तरीके का पैकेट आता है, इन मैग्नेट्स को हम यूज़ करेंगे सारे पॉइंट्स को स्टिमुलेट करने के लिए। इसमें हमारे 10 मैग्नेट्स होते हैं, जो हमारे छोटे छोटे मैग्नेट्स होते हैं, जो हमारे एक साइड से, ये देखिए एक साइड से येलो एंड दूसरी साइड से ये वाइट होते हैं। तो हम इन मैग्नेट्स का यूज़ करेंगे, हम क्या करेंगे, हम लेंगे पेपर टेप एंड ब्योर मैग्नेट। देखिए किस तरीके से आपको मैग्नेट्स को चिपकाना है। तो हमें एनर्जी को घटाना है तो हमें क्या करना है, ये देखिए जो येलो साइड है वो हम पेपर टेप की स्टिकी पार्ट पर चिपकाएंगे, एंड जो ये वाइट साइड है, देखिए मैग्नेट की जो वाइट साइड है हमारे पॉइंट्स को टच करेगी, हमारे स्किन को टच करेगी। तो देखिए ये पॉइंट पे मैं मैग्नेट को अप्लाई करके बता रही हूँ। तो इस तरीके से सारे के सारे पॉइंट्स पर आपको मैग्नेट चिपकाना है पेपर टेप की हेल्प से, जिसमें हमारा जो वाइट साइड है मैग्नेट की वो हमारे स्किन को टच करेगी, हमारे पॉइंट को टच करेगी, एंड जो येलो साइड है वो पेपर टेप के ऊपर से इस तरीके से विजिबल होगी। तो इस तरीके से आप 99 पॉइंट्स को स्टिमुलेट करें, सिडेट करें, एनर्जी को घटाएं, जो आपका हाइपर थायराइड है वो बहुत जल्दी मैनेज हो जाएगा, आपका थायराइड ग्लैंड प्रॉपरली वर्क करना जल्दी से शुरू कर देगा। तो इस तरीके से आपको दोनों ही हाथों में करना है, दोनों ही हाथों में आपको मैग्नेट अप्लाई करना है 7-8 आवर्स के लिए, 7-8 घंटे के लिए डेली आपको मैग्नेट अप्लाई करना है। तो चाहे तो आप रात को लगाकर सो जाएं एंड सुबह निकाल कर इन मैग्नेट्स को रख लें, ये मैग्नेट रीयूजेबल होते हैं, अगले दिन आप सेम इन्हीं मैग्नेट्स को अगले दिन फिर से अप्लाई करें। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। इसी के साथ साथ अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपना नंबर दे दिया है, आप कॉल करके भी बातचीत कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो लोग हाइपरथायराइड से परेशान हैं उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए, एंड हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।